गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर। आज हम लोग मैथ क्लास 5th का पढ़ेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ तक पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। राइट द नंबर्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। जो नंबर लिखे गए नीचे उसको न्यूमरल में लिखना है। ए वर्ड में दिया है, इसको न्यूमरल में लिखना है। नंबर पर देखें किस किस सिस्टम में लिखा गया। देखिए आप लिखा है 205,609। जो हम कल पढ़े थे जस्ट कल पीछे टॉपिक का उल्टा दस दिया है। ये लिखा गया है 205,609। ये हम देख रहे हैं किसमें लिखा गया है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है, क्योंकि 100 और 1000 इंटरनेशनल सिस्टम में ही आता है। तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हमको लिखना है 205,609। इंटरनेशनल सिस्टम इसे लिखें कैसे, तो देख लीजिए पहले पीरियड क्या होता है इसका। ये होता है हमारा वन, वन के बाद आता है थाउजेंड का पीरियड, 1000 ये इसका पीरियड होता है, और ये होता है वंस, टेन, हंड्रेड, ये होता है थाउजेंड, मिल जाता है 10,000 और ये आपका 100,000। ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक नंबर को फिट करने का तरीका है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है 205,000, तो पहले हम लिखेंगे 205, इसके बाद थाउजेंड से कमा लग जाएगा, इसके आगे क्या लिखा है 609 ऐसे हम लोग लिखेंगे। जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स ऐसे ही लिखेंगे। बी और सी डी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो आप लोग घर पे बैठ के करेंगे। तब तक के लिए अब बाकी अगला लेक्चर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।